देख लिया हुसैन, मैं नहीं समझता था कि तुम इस उम्र तक पहुंचोगे कि तुम्हारी दाढ़ी सुर्ख होगी खुद तुम्हारे अपने खून से। बोलो हुसैन, आखिर चुप क्यों हो, जवाब दो। ये बेहुर्मती मत करो, तुम्हारी छड़ी इनके ढहने मुबारक को छू रही है जिनको रसूल अल्लाह खुद बोसा देते थे। बोलो हकीम, रसूल अल्लाह का सामना किस तरह से कर पाओगे रोजे महशर? बोलो, जवाब दो। है अजीज, अजीज अल्लाह की तुझ पर लानत हो, लानत हो तुझ पर माविया के बेटे, अल्लाह की लानत हो तुझ पर, लानत हो तुझ पर, लानत हो। तुम्हारे बाप ने हमसे कतर रहमी की और हमारे हक को ना पहचाना और मुझसे बगावत की, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें जिल्लत दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जमीन में तुम्हें जो कुछ मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारी खलकत से पहले लोहे महफूज में लिखी होती है, और ये बात खुदा पर बिल्कुल आसान है। और तुम्हें जो तकलीफें पहुंचती हैं तुम्हारे अपने ही करतूतों का नतीजा है। ये जालिमों के लिए है, मजलूमों के लिए नहीं। काश आज मेरे बदर वाले बुजुर्ग जिंदा होते तो देखते, तो वो खुशी से कहते कि ए यजीद तू सलामत रहे, आज हमने बनी हाशिम के सबसे बड़े सरदार को कत्ल करके आज के दिन बदर का बदला पूरा ले लिया, आज के दिन सारा पिछला हिसाब चुकता हो गया। बनी हाशिम ने सिर्फ मुल्क हासिल करने के लिए ढोंग रचाया था, ना कोई वही उतरी, ना कोई फरिश्ता उतरा, ना ही कभी जिब्रील आया और ना ही कभी कोई किताब उतरी। और से सुन लो, ये सब कुछ एक झूठ था सिवाय ढोंग के कुछ भी नहीं, हुकूमत हासिल करने के लिए। तुम ये कहते हो कि हुसैन के कत्ल का फतवा गलत था? जिंदा के पोते से इसके अलावा और क्या उम्मीद हो सकती है? इसने हमजा का कलेजा चबाया था, हम उनसे कैसे तवक्का रखे रहम की जिन्होंने हमारे चचा का कलेजा चबाया? हम उनसे रहम की कैसे उम्मीद रखी जो शहीदों के खून से जिंदा है? और हम अहले बैत उनसे कैसे उम्मीद रखें जो हमसे नफरत करते हैं सिर्फ और सिर्फ गुरूर और घमंड से? और तुम बगैर किसी शर्म हया के कहते हो कि तुम्हारे आबाओ अजदाद आज के दिन तुम्हारी सलामती की दुआ करेंगे, जबकि तुम मेरे भाई हुसैन के बहन पे अपनी छड़ी लगाते हो जो कि जन्नत के जवानों के सरदार हैं, ये जानते हुए भी ये गुस्ताखी करते हो? तुम्हारी ये हिम्मत किस कदर कठोर हो तुम्हें अजीज? बदल के बदले में तुम्हारे लिए करबला का गम। वल्लाह तुमने हमारे गम को बढ़ावा दे दिया है, तुमने करबला में हमारे तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया है। यजीद तुम अजाब के लिए तैयार रहो, रसूल के घर वालों को कत्ल करने के लिए जो तो जमीन के सितारे थे, जो अब्दुल मुत्तलिब के खानदान से थे, मैं तुम्हारे काफिर आबाओ अजदाद के बारे में क्या कहूँ? वल्लाह ए यजीद तुम उनसे जल्द मुलाकात करोगे जहन्नुम, और फिर तुम खुद दुआ करोगे कि काश तुमको लकवा मार गया होता बजाय इसके जो अमल तुम बजा लाए हो। अल्लाह तुम्हारी जबान बंद करे जिस तरह तुम्हारे भाई की जबान बंद की है। तुम किसी की भी जबान नहीं बंद करवाओगे सिवाय अपनी की, और तुम किसी की गर्दन नहीं कटवाओगे सिवाय अपनी की। रोज़े क़यामत को याद करो जब तुम रसूल अल्लाह के सामने खड़े होगे और तुमसे अपने आले रसूल के बारे में सवाल किया जाएगा, वहाँ अल्लाह इन सब मक्तूलीन को जमा करेगा और उनको उनका इंतकाम मिलेगा जो कि उनका हक है, और वो जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उनको मुर्दाना समझो, वो जिंदा है और बेशक अल्लाह के हुक्म से रिस्क पाते हैं। हमारे लिए यही काफी कि तलवार हमारे दरमियान फैसला करे, हमारे दरमियान सुलह नहीं हो सकती। हमारे लिए यही काफी है कि अल्लाह हमारा मुनसिफ है और रसूल तुम्हारे मुखालिफ और जिब्राइल हमारी मददगार है। वो लोग जिन्होंने तुम्हारे लिए कत्ल हुसैन को आसान किया जल्द जान जाएंगे कि कौन कमजोर है और किसमें कितनी ताकत है। इंतेली तुम जानती हो किसके सामने क्या कह रही हो, क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे एक इशारे पर है। वाय हो, मेरी जगह शहंशाह रोम होता तो क्या करता, तुम्हारी इस गुस्ताखी के बदले तुम्हारे कत्ल का हुक्म दे देता।
तुम क्या समझी, तुम जल्द अपने भाई तक पहुंच जाओगी। ये इन हालात की वजह से है कि मैं तुमसे इस तरह बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी नजर में तुम एक हकीर हो। तुम्हारा बोलना फजूल और तुम्हारा अमल बेकार है, मगर मेरा दिल दुख से भरा हुआ है और आंखें गम के आंसुओं से भरी हुई हैं। ये कितनी अनोखी बात है कि अल्लाह के प्यारे को शैतान के चेलों ने कत्ल किया। अगर हमारे कत्ल को तुम अपनी फतह गर्दानते हो तो फिर इस अमल का खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। याद रखो यजीद, तुम्हें कत्ल करना ही पड़ेगा बिनते अली। मेरे आका, शरारत ने इस औरत को कत्ल किया तो हालात खराब हो जाएंगे, अवाम बगावत कर देगी और यकीनन आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अल्लाह की कसम, मैं लोगों के दिलों से आले रसूल का नाम खुरच के रख दूंगा, समझे? हम तुम्हारी रियाया नहीं है, तो बनाओ मनसूबा इसके बारे में, खूब सोचो। वल्लाह मगर तुम हमारे दिलो दिमाग से ये गम भुला ना पाओगे, ना ही हमारे अकवाल को मिटा पाओगे और ना ही अपने अजाब में कुछ कमी कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मनसूबा नाकाम होगा, क्योंकि तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं और इस दिन जब सूर फूका जाएगा और यकीनन अल्लाह का अजाब जालिमों के लिए। खामोश हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी जबान बंद करे, चुप रहो। अम्मा, आपने वो कहा है जो बड़े से बड़ा बहादुर भी नहीं कह सकता था। आका, ये लड़की मुझे इनायत कर दें ताकि मैं इसको तमीज सिखा सकूं, ताकि वो आपके अहकाम मान सके। तुम एक झूठे शख्स हो, ना तुम ना तुम्हारा आका ये कर सकता है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, समझे? नहीं, अल्लाह की कसम तुम्हारे बस में ये अमल नहीं। सिर्फ उस वक्त तुम इस्लाम के दायरे से बाहर चले जाओ और कोई और मजहब इख्तियार करो जो कि लगता है कर चुके, तो फिर तुम इस बात का ऐलान क्यों नहीं कर देते? यकीनन तुम्हारे बाप अली और तुम्हारे भाई हुसैन ने इस्लाम को छोड़ा। अल्लाह की कसम, ये मेरे नाना और बाबा का ही मजहब है जिसकी तरफ तुमको और तुम्हारे अज़दाद को बुलाया गया था। तुम झूठ बोलते हो, अल्लाह की दुश्मन। अल्लाह की कसम, तुम एक जालिम हाकिम के अलावा कुछ नहीं। तुम अपनी हुकूमत की ताकत से जुल्म करते हो और हक को दबाते हो, और काफिर ये ना ख्याल करें कि हम जो उनको मोहलत दिए जाते हैं तो ये इनके हक में अच्छा है। नहीं, बल्कि हम उनको इसलिए मोहलत देते हैं कि ये और गुनाह कर लें, आखिरकार उनको जलील करने वाला अजाब होगा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने सच कहा। ऐ लोगों, जो शख्स मुझे पहचानता है वो तो पहचानता ही है, और जो नहीं पहचानता मैं उसे अपना तारुफ करा देता हूँ। मैं अली इब्न हुसैन हूँ, मैं बशीर व नजीर का बेटा हूँ, मैं दाई अल्लाह का बेटा हूँ, मैं सिराजुल मुनीर यानी रसूल खुदा का फर्जंद हूँ, मैं साहिब मक्का व मीना हूँ, मैं साहिब मरवा व सफा हूँ, मैं फर्जंद मुस्तफा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसकी शान मख्फी नहीं है, मैं उसका बेटा हूँ जो इस कदर बुलंद हुआ कि सिदरतुल मुंतहा से भी आगे बढ़ गया और मुकाम काब हुसैन तक पहुँच गया, मैं उसका बेटा हूँ जिसने फरिश्तों को नमाज पढ़ाई, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसने फरिश्तों को तालीम दी, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसने बुर्राक पे सफर किया, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसे मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक ले जाया गया। अरे लोगों, अल्लाह ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया कि इल्म, हिदायत, तक्वा और अदल हम में मुकर्रर फरमाया और जलालत और हलाकत हमारे घरों में मुकर्रर की। अल्लाह ने हमें 6 नेमतें अता की हैं, वो है इल्म, शुजात, मोहब्बत, सखावत और हिलम, और अहले ईमान के दिलों में मंजिलत, और हमें वो कुछ अता फरमाया जो आलमीन में से किसी को भी नहीं अता फरमाया। हमारे लिए ही आया तसीर मुबद्दत उतरी, मैं उसका बेटा हूँ जिसके हामी जिब्रील हैं, मीकाईल हैं और तमाम मलाइका और फरिश्ते हैं, और खुद अल्लाह ताला भी उसका हामी है। मैं उसका बेटा हूँ जिसने मुसलमानों का दिफा किया, बागियों और काफरों और मुशरकों को कत्ल किया और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिहाद किया और दावत
اسلام پہ سب سے پہلے لبیک کہا، اولین میں اول خود شکن، شیر خدا و رسول، باب مدینۃ العلم، اللہ کے دین کا محافظ، کائنات کا مولا، فاتح خیبر و خندق اور فاتح بدر و حنین، نفس رسول خدا، وصی رسول اللہ، سخی ابن سخی، مکہ سے مدینے تک، بدر سے احد تک، ہجرت سے شجر تک، عراق سے شام تک، حسنین کے والد، میرے دادا علی ابن ابی طالب، داماد رسول اللہ، فاطمۃ الزہرا کے شوہر، وہی فاطمہ حسین کی ماں، حسن کے بھائی حسین، وہی حسن، وہی حسن جس سے تمہارے باپ معاویہ نے صلح کی تھی، انہیں کے بھائی حسین ابن علی، رسول اللہ کے فرزند، علی مرتضیٰ کے بیٹے، جنت کے جوانوں کے سردار، خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے، فاطمۃ الزہرا، سیدۃ النساء العالمین، ایک فرزند، اے لوگوں گواہ رہو، میں اسی حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، شہید کربلا حسین، تین دن کا پیاسا حسین، وہی حسین جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا، وہی حسین جس کی مشتبہ کو قیدی بنایا گیا، وہی حسین جس کا سر تمہارے سامنے رکھا ہے، یزید تم پہ تمہارے اعمالوں کی وجہ سے عذاب شروع ہو چکا ہے، چیخو چیخو جتنا چاہے چیخو، کیونکہ درد محسوس کرنے کی تمہاری باری ہے۔ تو بناؤ منصوبہ اس کے بارے میں خوب سوچو، واللہ مگر تم ہمارے دل و دماغ سے یہ غم بھلا نہ پاؤ گے، نہ ہی ہمارے اقوال کو مٹا پاؤ گے، اور نہ ہی اپنے عذاب میں کچھ کمی کر پاؤ گے، کیونکہ تمہارا منصوبہ ناکام ہوگا، کیونکہ تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، اور اس دن جب سور پھونکا جائے گا، اور یقیناً اللہ کا عذاب ظالموں کے لیے۔ امیر حسین کی بیٹی روتی ہے اپنے بابا کے لیے، بابا کے لیے روتی ہے، اسے لے جاؤ یہاں سے، اس کے باپ کا سر اسے جا کے دے دو تاکہ کچھ لمحے۔
अली के बेटे के कलाम और अली इब्ने हुसैन के खिताब सुनकर अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है, जो कभी भी बगावत की वजह बन सकती है। यहाँ हालात नाजुक है, मैंने तुमसे मशवरा मांगा, वाय हो मुझ पर, अब मुसीबत में खामोश क्यों खड़े हो? तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हुसैन के घर वालों को किसी मकान में मुंतकिल कर दें उस वक्त तक जब तक हालात बेहतर ना हो जाएं। मगर या अमीर, अगर ख्याल रहे कि ये लोग सरजमीन शाम में ज्यादा देर ना रुक पाए। सही है। मेरे भाई आप पर मेरा सलाम हो। तुम हमसे क्या चाहते हो? आपने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया मेरे भाई? क्यों आए हो? मैं आपको कुछ देने आया हूँ। तुम्हारे जैसे इंसान हमको क्या दे सकता है, जबकि तुम अल्लाह की नजर में गरीब तरीन शख्स हो और सबसे निचले दर्जे पर हो। बताओ क्या चाहते हो? अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म करे तो उसका क्या होगा? जालिम के अच्छे अमाल मजलूम को दे दिए जाएंगे, और अगर जालिम के अच्छे अमाल ही ना हुए तो फिर मजलूम के गुनाह जालिम के हिस्से में डाल दिए जाएंगे। अल्लाह तुम्हें माफ करे मेरे भाई, अल्लाह माफ करे। अल्लाह ताला की लानत हो मरजाना के बेटे पर जिसने हम दोनों को ये दिन दिखाया। अगर मुझे मालूम होता वो ये करेगा तो मैं आपके बाप को बचा लेता। अब बहुत देर हो चुकी है, जिसका तुमने हुक्म दिया था वो हो चुका। तुमने मेरे बाबा को कत्ल कराया, उनके असहाब को कत्ल कराया, अब तुम हमसे क्या चाहते हो? वल्लाह तुमने हमारे गम को बढ़ावा दे दिया है। तुमने करबला में हमारे तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया। याद रखो ऐ यजीद, अल्लाह की कसम तुम एक जालिम हाकिम के अलावा कुछ नहीं। तुम अपनी हुकूमत की ताकत से जुल्म करते हो और हक को दबाते हो। क्या चाहते हो मुझसे? तुम मेरे बाबा का सर वापस कर दो और तमाम माल व असबाब जो हमसे छीना गया है उसको भी, क्योंकि ये सब हमारी विरासत का हिस्सा है। और अगर तुम मुझको कत्ल करना चाहते हो तो फिर इन सब को मेरे नाना के शहर भिजवा दो। तुम्हें अपने बाप का सर वापस नहीं मिलेगा, ना ही वो सामान जो माल गनीमत में हमें मिला, और इनको कोई और लेकर नहीं जाएगा सिवाय तुम्हारे। मैं तुम पर एतमाद रखता हूँ, तुम अहले बैत नबी का ख्याल रखोगे मदीने तक। तो आपका हुक्म या अमीर? अगर आप इनको दिन के उजाले में जाने देंगे तो लोग बाहर आकर इनका इस्तकबाल करेंगे, कहीं वो लोगों को अपने साथ न मिला लें और बागी कर दें और आपके खिलाफ भड़का दें। तो फिर इनको रात के अंधेरे में लेकर निकल पड़ो सब लोगों की नजरों से बचाकर। क्या हुक्म है फर्जंदे रसूल?